करना
कि क्योंकि हार और ऊंट कतार चलती है, तुम ऐसा ना चलना। हां जी, जो सतगुरु महाराज कह रहे हैं ना भैया ना, जो लोग आत्म ना देवे साख तो लोग भले प्रमोदे कोई बेर दस ला। स्वामी जी ने ये कहा कि जब तक तुम्हारी आत्मा अंदर से माने नहीं कि हां ये ठीक, आत्म अंदर से वह दे तब तक मानना नहीं, तो क्या होगा? जो भी अग्रगण गुरु हैं, जो कुछ हमें कहते गए हम हां जी हां जी करते गए और मानो बैठे सतगुरु होए के और आस करे शिष्य तेरी, आप डूबे शिष्य सहित और जाए पड़े अंधे। वो कहते हैं प्रभु अंधे कुएं में जा गए, वैसा नहीं चलना। श्री महामति कहे गुरु सोई की दे, जो अलख की दे रहे कि जो चीज आज दिन तक करोड़ों ब्रह्मांड बने और किसी एक ने भी उन ब्रह्मांडों के अंदर परम धाम कहां पर है और वहां कौन सा तत्व है और पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उनकी निदाएं क्या है, इस विषय में आइए अब चल रहा है। दौड़े कई पैगंबर इस चीज का वर्णन करने के लिए कि हम दुनिया को बताएं कि परमात्मा क्या है, उसका नाम क्या है, उसका धाम क्या है और उसका स्वरूप क्या है। स्वामी जी कहते हैं संसार के ग्रंथों को देखो तो मुसलमानों में 120,000 पैगंबर हुए, पर किसी ने क्या दावा दिया कि मैं खुदा से मिलके आया हूं या मैं उनकी शक्ल सूरत को देखा। अब हम सुनना साथ भी इतना ना समझ पाए कि ये जो मोहम्मद नाम की चीज है, जिसने कैसा दावा कर दिया कि दुनिया वालों मैं अल्लाह ताला से मिलके आया हूं, मैंने उनकी शक्ल सूरत देखी है, मैंने उनका अर्श देखा है, उनके घर में अर्श अजीम में बैठी हुई मैंने उम्मत रूहों को भी देखा है और खुदा ने मेरे साथ आने का वायदा किया है। और मैं सौ खा के कहता हूं, क्यों? झूठे लोगों के सामने सौ खानी पड़ती है, ब्रह्मशिष्य के सामने सौ खाने की जरूरत नहीं। सौ खा खा करके कहा ओ दुनिया वालों बाबा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अल्लाह ताला से मिलके आया हूं, अल्लाह ताला ने मेरे साथ 90,000 बातें की हैं और अगर वो इस दिन आएगा ना आए तो समझ लेना मैं झूठा। एक मोहम्मद वो भी इस ब्रह्मांड में, पहले ब्रह्मांड में नहीं, किस ब्रह्मांड में? ये इस ब्रह्मांड में मोहम्मद साहब आए ना कि पहले ब्रह्मांडों में आए थे। तो पहले ब्रह्मांड जितने हो गए कितन करता अध्ययन के साथ दौड़े कई पैगंबर और कई तीर्थंकर अवतार, विष्णु पे भी 21 अवतार हुए। क्या किसी अवतार ने यह कहा कि मैं तुम्हें भव से पार कर दूंगा? पार ब्रह्म को जानना तो बहुत बड़ी बात है, पर आज भी दुनिया इतनी अंधी है के भी हमारे जो गुरु हैं जो यहीं पर सतखंड कह के हमारा सत्यानाश कर रहे हैं, उन्होंने ज्ञान क्या कहां से लिया? क्या वो हमारे गुरु आदि मैन से बड़े हो गए? क्या वो हमारे गुरु राम भगवान से बड़े हो गए? क्या वो गुरु हमारे श्री कृष्ण इत्यादि और जो हैं उन्हीं के ग्रंथों से हमें यदि ज्ञान दे रहे हैं तो फिर वो तो कहते हैं हे लक्ष्मण राम ना सके नाम गुण गाई, तो ये गुरु कैसे बता रहे थे शास्त्रखंड यही हलर में आओ अंधेरी को काट के जुदा रख दो और कटेगा किससे जो परम धाम की वो नीचे की आपको मार डालेगी, वो नहीं परवाह करेगी, उसको झुकने में स्वाद आएगा और दुनिया को झुकने में शर्म आएगी। उनकी बात ही जुदा, उनकी रहनी जुदा, उनकी हर बात दुनिया वाले समझ नहीं सकते। उल्टा कहे यार ये किस मिट्टी का बना हुआ, इसको मार भी पड़ रही है फिर भी प्रणाम कर रहा। उनके समझ ये उनकी रहने की चाल ही नहीं आ सकती कि यार ये किस, वो क्या कहते हैरान होते हैं किस मिट्टी के बने
इनको गालियां भी पड़ती है, मार भी पड़ती है, फिर भी ये जुड़ते हैं, क्योंकि उनके पास बात कहां की है, वाणी मेरे प्यू की। अब क्या जानेगी दुनिया कि ये क्या चीज आ गया हमारे देश के अंदर, तो समझा साहब नीचे आ गई, क्या दिया है श्री जी ने और क्या देती है दुनिया। चौदे तब कौन बक्का का बोलिया ना एक हरफ, तो एक क्यों पावे हक सूरत। ध्यान के साथ स्वामी कहते हैं, जब आज दिन तक कोई भी इनका गुरु, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ने परे की बात ही नहीं कही है, तो ये चौदह तपत वाले परम धाम या अक्षरातीत की पहचान कैसे कर लेते। इसलिए गाते तो अक्षरातीत पुरुषोत्तम है और घटाते कहां के हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश पर। कोई हनुमान को ही पुरुषोत्तम मान के बैठा, कोई राम को ही पुरुषोत्तम मान के बैठा, कोई अपने गुरु को ही पर ब्रह्म कद दिया दिया बैठा। सुंदर शासन ना इस अंधेरे से बाहर और अपनी आत्मा में खड़े कर, हमारी आत्म का धनी बैठा है सिंहासन पर, मूल मिलावे बस इसको बैठा। फिर यदि उनकी कृपा किसी तन पे होती है हमें जगाने के लिए, तो उनकी नजर जैसे ये माइक है, तो जो आवाज मेरे मुंह से निकल रही है वही आपको हॉर्न से सुनाई देगी कि किसी कोई और देगी। बोलिए, ये जो तन है जिस तनों से आवाज हमें राज्य की आती है, ये क्या है, हॉर्न है। नहीं समझे, ये क्या है, हॉर्न है। अब आपको क्या पता बोलने वाला कहां बैठ के माइक लेके बैठे हो, हॉर्न से सुनो और पहचानो भाई आवाज आ रही है, ये आवाज उसी की है। और वो बैठा कहां है, यहां नहीं, वो बैठा है इन माइकों की आवाज ये तारों से है और उनकी आवाज बिना तार के चलती। दुनिया नहीं इन बातों को समझी, तो ये क्यों पावे हक सूरत। इस वास्ते आज दिन तक ये दुनिया पार ब्रह्म के स्वरूप से वंचित रही और कोई भी उनको पहचान ना सका। कि न पाई न बका तरफ, बका अखंड परम धाम को कहते हैं, कि अखंड परम धाम किस जगह पर है और वहां पे रहने वाला पार ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसकी लीला क्या है। इसलिए कि यहाँ के जितने भी तीर्थंकर अवतार गुरु इत्यादि जितने भी हैं, जब किसी को उनको पता नहीं चला तो उनके पीछे लगने वाले चेले या दुनिया जो थी वो कहां से इस ज्ञान को प्राप्त कर लेती। जो हक पैदा हुए ना सूत में, प्राणनाथ का जन्म मनाने वाले सावधान, जो हक पैदा हुए ना सूत में तो हुए सवे हयात, तो फिर सारा ये ब्रह्मांड ही अखंड हो जाना चाहिए। अगर परमात्मा परब्रह्म जन्मता और मरता है फिर तो वो अखंड है, तो सारे ब्रह्मांड को भी फिर तो अखंड ही होना चाहिए, फिर ब्रह्मांड तो कभी परले में आना भी नहीं चाहिए। इल्मे अपना देके करे जाहिर बक्का बिसात, इल्म देके यहां राजीव राज पैदा नहीं हुए, केवल अपनी शक्ति के द्वारा इन्हीं तनों में प्रवेश करके अपना इलम दे करके, इलम के माध्यम से परम धाम की वस्तुएं, परम धाम का ज्ञान, परम धाम की लीला। विसात मैंने सौदा, जो दुकान के अंदर होता है उसको विसात कहते हैं। तो परम धाम के अंदर जो कुछ भी है वो हमें कहां से दे रहे हैं, इलम के, और इससे जो है हमें पहचान करा रहे कि मैं कौन हूं, कहां हूं, यहां उतरा हूं। तो ना मैं साध हूं ना मैं संत हूं, रे हूं ना ही
रेहू नाही सिद्ध साध संतरी ना जप में ना तप में ना मंदिर मसीत उपवास रहे ना दान में ना तीर्थ में। सबसे बड़े और मोमिन के दिल में समझने की बातें हैं सुन, इसलिए अब मोमिन के दिल में हूं लेकिन पर्दा कहां का है? वजूद का। मोमिन के दिल में हूं लेकिन ऊपर पर्दा किसका है? ये वजूद का है। इसलिए दुनिया मुझे नहीं देखती पर मैं दुनिया को देखता हूं, इसलिए मोमिन भी मुझको नहीं देखते लेकिन मैं मोमिनों को देखता हूं। वो इसलिए मुझे नहीं देखते कि वो मेरी आवाज को सुनते नहीं, मेरे वजूद को देखते हैं, और वजूद यहां नासूत का है क्योंकि मेरी रूह ने धारण किया है, और मेरा ठिकाना कहां है? जो अर्श में मैं मोमिनों के दिल में रहता था। आया हक का सो इलम सो वाणी लेकर के कौन आया है? श्यामा और भेजा किसने है? राजी मनाने के लो मेरा इलम लेकर के चलो। सैरग से नजीक दिखाए के, अब ये सैरग शब्द बार बार आता है और कई बात कर सुंदर सा पूछ भी रहते ये सैरग क्या चीज है? उससे भी नजीक बताया तो सीधी सादी बात को सीधे तरीके से समझो। सह रग सांस की नस, रग कहते हैं नस को, रग किसको कहते हैं? नस को। सा वाली नस, सा किसको कहते हैं? सांस वाली नस जो है ये टिपटिपा रही और इसके ऊपर हाथ रखो तो मौत आएगी। कहते हैं जितनी मौत निकट है मैं उससे और निकट तुम्हारे पास हूं। ये तो दबाओगे इसका गला घोटोगे कुछ देर तो लगेगी ना, लेकिन मैं तो तुम्हारे दिल में ही बैठा हूं जो है देखते नहीं तुम, इसलिए मैं तुम्हें नजर आ सर यू कह लो मैं तुम्हें अंदर बैठा देख दूंगा। कहोगे जी ऐसी कैसे कर लें? ऐसे करने का मतलब क्या? अंधेरी वाली रात को हटा दो फजर कर लो मैं तुम्हारे से बातें कर रहा हूं, तो मेरी बात को ना सुनो तो मेरा कसूर हो गया। राती कह रहे हैं सारे से नजीक हूं, ये जो नस है ना सारी इसको भी दबाने में घुटने में कुछ देर के बाद मौत आएगी। मैं तो इससे भी पहले तुम्हारे अंदर बैठा हूं पर तुम मुझे देखते नहीं, तो मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें देखता हूं पर तुम ही मुझे देखते। यहां भी वो मोमिनों के दिल पर सुंदर साहब जी विचारिए तरीका कि कैसे हम राती के निकल जा सकते हैं भाई, जब तक अंधेरे को पीछे हटाओगे नहीं, रोशनी को पहचानोगे नहीं, आतंक ध्वनि को नहीं पहचानोगे, और फिर अमल में बस यही औकात है। जब तक रही में आओगे नहीं तब तक कभी भी अंधेरी मिटेगी। क्यों? हर एक चीज के रास्ते स्वामी जी ने बताया कि जीवते मारिए। अब इसको जरा एक ही शब्द है ना जीवते मारिए, आपको जीवते मारने का मतलब क्या है? कि जो जीते जी ना हमारी आबरू हमको नजर आए, ना इज्जत नजर आए, ना मान नजर आए, ना अपमान नजर आए, और बोलो करके देखो। अरे आपने क्या समझ रखा हमारी कोई आबरू नहीं है? वो मोमिन अभी नहीं मरा जिंदा है तो अबे बुरा जीवते मारिए आपको। जब हमने अपना तन राजी के चरणों में रख दिया आरती में कि तन मन जीव, फिर राजी के साथ चीटिंग करते धोखा करते भाई। जब हमने तन गर्दन रख दी राजी के चरणों में, अब इसकी बेइज्जती हुई तो किसकी हुई? जिसका है अपने आप बेइज्जती करावे चाहे इज्जत करावे, इस पर हमारा अधिकार ही नहीं। जूते खड़वावे चाहे माला पहनावे, अगर हमारी आबरू हमें याद आ गई तो राजी से किसकी गई? अरे एक पत्नी की चौराहे पे खामन खड़ा होकर के बेइज्जती करवा रहा है तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे किसकी औरत है? मर्द का नाम जाएगा क्या औरत का जाएगा? तो मरवा हमें क्या लगता है? पर ये खोपड़ी में बैठना वाली सुन तो हमने भी लिया, आपने भी सुन लिया, थोड़ी देर बाद कोई बात झूठी सच्ची किसी को लगा दे। ये क्या होता है?
है का मतलब क्या है? वो करके दिखाया था एक छत्र सा। पहले दाता हम भय जो गुरु को दिनो लाओ रखो राजी मेरा के चरणों में, देखते हैं अंदर ही बैठ करके हर मोमेंट के दिल में राजी बोलते हैं कि नहीं बोलते। हमारे अंदर तो हमारी अभी आवरो बैठी हुई, हमारी इज्जत बैठी हुई है, तो अगले भी कुछ झूठे आशक तो नहीं है। वो आशक है कि पहले अपने जरा आशकों की पहचान भी ग्रंथा देखें खरा है कि खोटा है, वही मरवाते हैं। कल बताया था ना कि आप बताओ हम यहां बैठे तो हमको दुखी बाहर करने वाले तो आएंगे नहीं, सनातन धर्म वाले तो हमें दुखी करेंगे या सिख लोग आके दुखी नहीं करेंगे, तो दज्जाल जो है वो किन के दिलों में बैठेगा? हमारी एक दूसरे, और वही हमारी आबरू उतारेगा कि कोई और उतारेगा, और वो हुक्म किसका होता है? और परीक्षा कौन देता है और उससे हम लड़ते हैं? कभी सोचते हैं? बोलो सुंदरदारी कभी सोचते हैं? जैसे जैसे बेइज्जती हो जाए समझ लो उतना राजीव राय प्यार करके हमें अपने नजदीक ले, आज इतनी इज्जत में खुदी बढ़ने ने कहने लगे सत्यानाश हो रहा है, राजी टूट गया हमारे से। ये जो बड़ा सा मान दुनिया में हमारा ऊंचा हो रहा है ना, समझ लो बस राजी रूठे पड़े। अगर खूब चारों तरफ से जलालत मिलने लगे तो फिर क्या समझ लेना भाई राजी का प्यार मिल रहा है। खूब दुख आए तो करना के साथ करके बोलना है तो अमल में थोड़ा आना है भाई। सुंदर साहब ये रास्ता दुनिया से जा रहा है, हम यहाँ जूते बनाने के लिए आए हैं, यहाँ जूते पड़ने हैं, आओ आज को मैदान में खाओ। परम धाम से उतरते पहले कह दिया था मेरे आशको जहां जा रहे हो ना वहां भी आशक रहते हैं, आगू आशक तुम्हारे से आगे भी कई आशक होंगे जिस मंडी में जा रहे हो, ये ना सोचना वहां आशक नहीं है। आगू आशक ऐसे कहे जो माया से उत्पन्न, उनका भी परिचय लेते जाओ। कोट बेर अपने माशूक पर कोट बेर वार डालत है और हमारे तो जरा, अरे बाबा जो हमारी यहां दलालत करेगा और सच्ची थोड़ा कहेगा, वो क्या कहेगा? झूठी ही बातें हमारे ऊपर तो मत ठोकेगा कि नहीं ठोकेगा, और फिर यदि आ गया गुस्सा तो फिर के पास रिजल्ट तो बोल दो मुंह से, फिर के पास है? हाँ फेल हो गए, पास होने की कोशिश कर। इसीलिए पहले क्या कह दिया कि भाई मेरे डिगाओ मत कोई, मेरे से आशकी ना करो, मार खा बैठोगे, मेरे से आशकी करनी बड़ी मुश्किल है। क्यों? मैं जा रहा कह दोगे मैं जा रहा, हमसे नहीं जलता जा रहा, मैंने जला दिया रख कर दिया, मैं जा रहा घर हंसते घर उजाड़ा, बीवी को खुद मारा कि चल मर सर वहां पर मेरे विरह में तड़प के मेरा घर बस के, हंसते कुर्की करा दी ताकि दुनिया का मोहल्ले वाला कोई मुझे प्रणाम ही न करे, जिससे बच करो बाबा कुर्की के रंग निकल रहे हैं, कौन अपनी कुर्की करवाएगा? पुरुष घर तक ना आ जाने तो सत्यानाश हो जाएगा, लड़के की सगाई नहीं होती। और उन्होंने जान बूझ करके कुर्की करवाई, किसकी किस हसीयत पर थे? स्टेट के मुख्यमंत्री, और घर की कुर्की कराई, मामनों को दिखाया आओ मेरे मामनों मैदान जंग में, ये मेरा तन परमधाम का नहीं है, ये तुम्हारे जैसा चमड़े का पुतला लेकर के बैठा हूं और तुमको भी ये तन दिए हैं, करके दिखाओ मेरे साथियों, मेरे आशक हो तो आओ, आओ आते क्यों नहीं राज्य से मिलना चाहते हो? आओ हमें वो प्यार करते, हम रोते हमने क्या कमा लिया, तो कमाने क्या है, नाम कमाने आए हो, नाम तो तुम्हारा परम धाम है, ऐसा नाम है कि आज दिन तक तीर्थंकरों ने अवतारों ने पैगंबरों ने खोजा, पर ना तो तुम्हारा उनको नाम मिला और ना ही तुम्हारे घर का वहां तुम्हारा नाम, यहां तुम इनको देखने आए हो तो देखो कह के आए थे हम आशक हैं, बनो बनो आशक, बनते क्यों नहीं? सुंदर साथ
जो नाता है तुम्हारा अर्श का उतरा करके पूरा दिखाओ। परम धामे बड़ी इश्क हमारा बड़ा, उनका भी उस मैदान में चलते हैं जहां मैं भी परीक्षा दूंगा, तुम भी देना, देखते इश्क किसका। उन्होंने सबसे पहले अपनी परीक्षा दी कि लो भाई यूं आशा करता है तुम करो, अब आ जाओ। वो कहते मोमिनो पहले मेरा इश्क तुमसे, मैं करके बताऊंगा, फिर दोस्ती अगर निभा लो तो तुम मेरे सच्चे, तुम दोस्ती मेरी निभा देना, तुम इश्क ना करना, इश्क मैं करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने पिटूंगा, मैं तुम्हारे सामने दलालत उठाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने सारी चौराहे पर मेरी निंदा करेंगे, तुम करा के मिटू आओ। सुंदर साहसी, अगर इतना ही आसान परम धाम को पाना होता, तपस्या करनी आसान है, माला फेरनी आसान, योग साधना करना आसान है, व्रत जप तप करना आसान है, दुनिया में रह करके मट्टी पलीत करवाना आसान नहीं है, पर आशक वही होगा जो मिट्टी पलीत कर। जी सेठ तो नहीं जाना कर रहा, किससे बात कर, ये हाल होना नहीं है। वो इसलिए कहोगे महाराज जी मेरे पीछे ला कर ना महामंत्री हो जा रही है, ये बोझ उठाना। अभी तो शुरुआत हुई है, कहोगे अभी शुरुआत है एंड क्या होगा, वो मत पूछो क्या मैं, अभी तो शुरुआत हुई है इस शिविर के बाद से। तो पहले मुंडन किनका होता है, जो कैप्टन मुद्दे आगे आने वाले हैं, सेना से तो क्या निपटा जाता है। अब दलालत होगी, हमें बेईमान बनाया जाएगा, हम है नहीं, झूठ बनाएंगे हमें कि ये बेईमान, हमारे ऊपर कलंकित आरोपित झूठे विकारों वाले लगाए जाएंगे, लगने प्यार हो गया, बदमाश कहेंगे हमें, चोर कहेंगे हमें, क्योंकि हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां आज दिन तक कोई जा सका नहीं। इसलिए दुनिया कि ये रीत है, अगर हम नहीं गए तो इनको भी जाने नहीं देना, हम तो डूबे हैं समुद्र, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे, हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ, तेरा पहले करके छोड़ेंगे, ये और इसमें सुंदर साथ तुम राज्य का वर्णन करो, बैठ करके टिप्पणियां करो तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहेंगे वाह भाई वाह, हमारे नाम का ठपड़ा ठप बजा रहे हमारे घर आकर के, अच्छा भाई करो इनका सत्यानाश, यहां नासिको चित्रनी ना सुनो वाणी की चर्चा, चुपचाप रह जाओ, देवी देवता की पूजन करो, जय बजरंगी जय हनुमान, बैठता तो है बस, दे दो अल्लाह के नाम परमराम के नाम पदिन की भी, ये वो रास्ता है जो दुनिया से सुंदर साथ तैयार हो जाओ। कहोगे इस बार कौन सी चर्चा का मीटर लगा दिया, इसलिए अब ये चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उधर हम जा नहीं सकते और इधर हमारे पास रहने की शक्ति होगी नहीं, ना उधर के रहे ना इधर के रहे, इसलिए ये पर्दा उठा दिया है, अब ये होना है तैयार हो जाओ, और जिसने डरना वो अगले साल भंडारे के ना आना, यहाँ ये हाल होना है तुम्हारा, इज्जत चाहिए यहाँ ना आना, बड़े बड़े स्थान है और झंडे परनामियों के वहां चले जाना, इज्जत होगी, यहाँ क्या होनी है, बोलो बोलो बेइज्जती, क्योंकि सुना होना है राजी मलाई के नाम पर, हमेशा तैयार रहना है कि धन ये तेरा है, फना कर रख जो मर्जी कर तेरा है, जानो तो ये कहना नहीं है, इतनी तैयारी कर रहे, कोई लाख परीक्षा हमारी करके देखे, हमारा ईमान कभी गिरे नहीं तो समझ लो राजी का प्यार है, कितना मिला पर के नहीं अंदर चेहरा मुरझाया पर अच्छा अच्छा सरकार सुना अच्छा नहीं हंस के आज को हंस के चेहरे उदास करके आए तो पैदा क्या हुआ है, अरे चेहरे उदास हो गए
तो दूर से पता चल जाएगा, माया बचेगी क्या, मैंने आशिक राज जी क्या मेरे मैदान में आए, टांगे तेरी तोड़ के छोड़ूंगा। हाँ माया शाबाश। स्वामी जी बड़ा कठिन है ना, पहले ही स्वामी जी ने 12 मोमनों के द्वारा करके बोलो करके दिखलाया कि नहीं, बोलो खलड़ी मोमने ने उतराई कि नहीं। जब काजी मारते थे तो क्या लालदास रोता था, बोलो भीतर का चाल सुनते हो, मुसलमानों से जो है तेल के बिगड़े हुए हंटरों से खलड़ी उतराई। क्या कहते थे, या अल्लाह या इमामंदी फिर हंटर या इमामंदी। वो बातुनी हंटर जाहिरी हंटर थे, और ये हमारे ऊपर बातुनी हंटर बचाएंगे कौन, हमारे ही अंदर वो अधारे हुए जो हमारी खलड़ी होता है। हंटरों से कौन से जुबान के हंटर ऐसे तीखे चलाएंगे कि लाल दाती तो सह गए, शायद हमारे से ये जुबान वाले हंटर नहीं सह गए, अब सह गए, अब पता लग गया ना कि ये होना, इसलिए भी रेडी हो गया कि अब पेपर बदल गए, अब आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ रहे, इसलिए क्या सुंदर शास्त्र भी जितने दिन का बसेरा है एक पल का रोशन। और यहां की मान शान छुट्टी को लेना चाहते हो, नहीं उठा दो पंडित बुद्धि को, बस हर सब के उस अदालत को गले लगा लो जो राज्य के इस दरबार में मिल रही है, यही राज्य का यहां प्यार है। समझ में आना बड़ा कठिन है, कई तो जो चरखड़ियां मारते हुए यहाँ सब जगह गए थे, करनाल गए थे, शेरपुर गए थे, नौतमपुरी पन्ना जी जाते, वहां तो ऐसी चर्चा कोई नहीं सुना, यहाँ सुनाया जाता है, यहाँ मुर्दों को जिंदा कराया जाता है और वहां जिंदों को मारा जाता है। यहाँ मुर्दे, ये मुर्दे बैठे हम तभी माया बहुत मीठी लगती है, और जिंदगी जो हमारा जीवन है, मेरा प्राणनाथ का प्यार है, वो हमें दुखी कर। ओ सुंदर साहब, अगर इसकी एक बार मानो खलड़ी बिल्कुल मैदान में रख के भी उतार लें और राज्य मिलते हैं तो बोलो सौदा सस्ता है कि महंगा है, तो घबराने की क्या जरूरत, घबराने की जरूरत क्या है। अगर धनी का प्यार जहां मिलता है, राज्य बनाई मिलते हैं तो दुनिया नहीं चाहिए, मार डालो दुनिया को जिंदा, कोई रिश्तेदार नहीं, सब मतलब के बखेड़ू लगे थे, उनसे नाते तोड़ लो, उनसे नजरें हटा दो, कह दो भाई हम तुम्हारे नहीं, क्यों हमारे पीछे पड़े, क्यों हमारी जान खा रहे हो, जाओ हमें रो लो, हम मर गए और हमने रो लिया तुमको क्योंकि तुम हमारे लिए मर गए, खुला कह दो, एक मिनट में जान छूटती। अगर सोचते हैं अभी एक साल के बाद और हम ही मर गए तो फिर एक साल के बाद परीक्षा कर दो, वो आओ। तो हक सूरत किन पाई ना बत्ता तरफ, ध्यान के साथ, जो हक पैदा हुए ना सूरत में तो होए सबे हयात, ध्यान के साथ, कि सुंदर साधी यदि श्री राजी महाराज का आना यहां हो भी गया, क्या उनकी शक्ति आई, क्या उनका आवेश आया, जान लो तो क्या हो गया, उनके आवेश के ही आने से, उनके इल्म के ही आने से दुनिया को भी साथ साथ अखंड कर दिया। बोलो ब्रिज में क्या आया, इल्म था, भक्त राजीव राय का आवेश, ब्रिज में क्या आया, आवेश ही तो है ना, और कोई लीला तो नहीं हुई, कोई भी तो किसी को पता नहीं चला, और जिनके साथ हो रही थी वो ना पहचान सकी क्योंकि तात्म ज्ञान नहीं था, बेहोशी के अंदर ही राजीव राज हमारे साथ रहे और मिट्टी के पुतलों को अपना बनाया और राजी को क्या कह दिया कि निर्लज्ज हो, बेशर्म हो, बेहया हो, तुम कामी हो, ये कह दिया ना। लेकिन फिर राजी की मेहर देखो कि ब्रिज गोकुल और मथुरा जितने में लीला हमारी किया तेता उजास, बाकी सब निर्माण को किया तहां कर नाश। प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ी कि जितनी जगह लीला हुई
ब्रज में जब आए सारा ब्रह्मांड नहीं अखंड हुआ, क्या क्या अखंड हुआ, गेते मिने लीला में ब्रज, गोकुल ने मथुरा। अब गोलोक के अंदर जो अखंड है अव्याकृत में तो क्या है, काल माया का सारा ब्रह्मांड अखंड नहीं है। क्या क्या अखंड है, ब्रज गोकुल और मथुरा बस। और अब के बाद क्या होगा, ये सारे का सारा ब्रह्मांड अखंड कर दिया जाएगा। क्यों, इस बार श्री राजीव राय की पांचों शक्तियां आई और ये वाणी गर्जना कर करके चाहे किसी के माध्यम से अमेरिका जापान कनाडा में भी कैसेटें बज रही हैं, वीडियो कैसेट तुम्हारी वाणी के पहुंचे हुए उनके कानों में आवाज गई, अक्षत उनके पास गया, सब कोई माने या ना माने मनवाएंगे कब, जब सबको योग माया के अखंड धन और जागृत बुद्धि दे देंगे, फिर सब दुनिया इकट्ठा होगा और कोई ना कहेगा नहीं मेरा, अब कहलवाना किनसे है जो परम धाम की फकत आत्माएं और उनके हृदय में भी जागृत बुद्ध का ज्ञान रख के, जागृत बुद्धि हृदय में रख के, और जब जागृत बुद्धि हृदय में जाएगी उसी समय हमारे लिए क्या हो जाएगा, फजर हो जाएगी, और जब फजर हो जाएगी तो अंधेरे और दिन की हमें पहचान हो जाएगी, अर्थात पता चल जाएगा कि मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है, ये है अंधेरा और फजर का होना सुंदर था। साथ ये तो करके जरा समझिए, आप ध्यान दो, इलम अपना देके करे जाहिर बक्का विसार। क्या दिया है हमको, इलम देके परम धाम की जरा जरा चीज जो है स्वामी राजीव राज हमें दायर कर रहे हैं। सो इलम अल्लाह ले आया हक का सैर से नजीक दिखाए गए माए बिठावत बक्का, कि इतना नजीक जब दिल में राजीव राज की कृपा मिहर हो जाती है तो हमको क्या लगता है कि हम परम धाम के अंदर ही मानो जो है बैठे हैं। क्यों, परम धाम में किसके चरणों में बैठना है, और यहाँ राजीव दिल में आ गए तो उनके चरणों में बैठ जाए कि दूर रह जाए, मानो ऐसे लगना लग जाता है कि जैसे भले बैठे तो हम खेल में पर हम राजीव के चरणों में ही परम धाम में बैठे। ए बात सुनो तुम मोमनो, बोला श्री राम जय। अब ये सारा बता के अब क्या कह रहे हैं, ए बात सुनो तुम मोमनो अपनी कहूं भी तक। अभी विनती करती है मोमनो, मैं तुम्हें अपनी भी तक सुनाती हूँ, घबरा मैं ना कि हमें इतना सख्त परीक्षा दिला रहे हैं, कहते ना मेरे साथ भी ऐसी बीतती है भाई, तुम चिंता मत करना मैं अपनी नीति तुमको बताती हूँ, जान दो मेरे करीम मुझ पर एक इल्म खुदाई बेशक। कहते नहीं तो मैं भी तुम्हारे तरह संसार के अंदर एक स्टेट का मिनिस्टर था, ये जो मुझे मेहर हुई है कि मैंने जीते जी मिनिस्ट्री छोड़ी, जीते जी पत्नी छोड़ी, जीते जी जेल में गया, तो ये ताकत किसने दी, इलम ने दी, इस वाणी ने आकर के मेरे हृदय में फदर कर दी कि ये सब छूट कर गया, इसको सारी उम्र जितना इकट्ठा कर लो मरने के बाद क्या क्या चलेगा, टीवी चलेगा कि ट्रू इन वन सा चलेगा, यहां तक के सुंदर सा चीजें क्या चलेगी जिसकी आज हम आबरू रख रहे हैं, जब हम कहते अरे मेरी कुछ आबरू नहीं, आबरू इसकी क्या होती, इसकी भाई इसी की आबरू और इसी की इज्जत और बेइज्जती सता रही है हमको, तो इसका भी हशर क्या होगा, ये चलेगा हमारे साथ, जब हम मतलब अंदर जो बोल रहा है वो चलेगा तो ये साथ चलेगा, तो ये कहां चला जाएगा, साथ में लगने में इसकी इज्जत बचा रहे, इस मिट्टी की इज्जत में लगे हुए हो ये बता रहे, ऐ मोमिनो चिंता ना करो, सुनो अब मेरी भी तक सुनो, मेहर करी मुझ ऊपर इलम खुदाई बेशक। अब जब ये मेहर हुई तो मुझे कौन सी बात याद आ गई,
कौन अलस बेरब का प्यारू सो जब तब घर से निकलने की याद पूरी कि राजी ने क्या कहा था कि मेरी रुको जा तो रही हो मेरा कहा नहीं मान रही हो तो एक बात मेरी सिर्फ याद है तुम्हारे सारे और गुना मैं माफ कर दूंगा। तो उन्होंने कहा जी क्या अलस तो बेरब के दुनिया में खुदा परमात्मा रब मेरे सिवा और किसी को बनाना नहीं क्योंकि मेरे सिवाय कोई दुनिया में रब है ही नहीं पर दुनिया वाले झूठ को रब बना के बैठे तुम झूठ को रब कहना।